माटा भांगा, माटा भांगा, माटा भांगा ये नाम है। वहाँ पे क्या है भाई साहब, बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास से गुजरेंगे। अगर दिन में रहा तो आपको एक अच्छा बांग्लादेश का दिख जाएगा, अगर लेट हो गया तो क्या कर सकते। हम लोग आ चुके हैं न्यू अलीपुर द्वार। डोवास का जर्नी कंप्लीट रहा, झूठ बोलूंगा नहीं यार, आप देखो तो ठीक है, नहीं देखो तो ठीक है, पर वैसा नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन किया था। मुझे लगा था कि बादल होगा, पर कुछ नहीं, पूरा क्लियर वेदर था, जैसे आज अभी दिख रहा क्लियर वेदर। NOQ न्यू अलीपुर द्वार, यहाँ से हम लोग पदाती का एक्सप्रेस पकड़ेंगे पूरा सियालदह के लिए। स्लीपर में टिकट है, अभी तक मालूम नहीं वो RAC रहेगा या अपग्रेड हो जाएगा, अपग्रेड नहीं होगा ज़्यादा सोच लिए। जो भी हो, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट आउट बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। अंदर चलते हैं, देखिए कोई लॉन्च वॉन्च मिल जाए तो बैठे थोड़ा AC का हवा खाना बहुत जरूरी है। हालत बहुत हद तक ख़राब है। आपको जब एंट्री करते हैं तो इस तरफ की सेकेंड क्लास वेटिंग हॉल के पास में लॉन्च है, 10 रुपये प्रति घंटे देना पड़ता है इसके लिए। मैं इसमें वेट कर रहा हूँ, देख सकते हैं एक AC है राय सिर्फ यहाँ पे, एक है और एक वहाँ है, बस दो ही है भाई साहब। और ये इसका वॉशरूम है, तो ये एक ड्रेसिंग टेबल टाइप का है और ये वॉशरूम है, कोई खास नहीं है। बाल्टी मग है, आप नहाना चाहते हैं नहा सकते हैं, आपको बाकी सामान लाना होगा, तौली गमछा जो भी आपका है। और यहाँ गीज़र है, गीज़र ऑन है आई थिंक, वैसे ही है भाई साहब, बस यही है। इसमें कुछ खास नहीं कर रहा, मेंटेनेंस ठीक। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्या इसके लिए AC का टिकट होना जरूरी है? बिल्कुल, मेरा स्लीपर का टिकट मैं आया, वो कुछ नहीं पूछते, पेनर वेनर है, बस आप 10 रुपये दो, 10 रुपये एक घंटे का, आपको जितना घंटा चाहिए ले लीजिए। तो ये है भाई हम लोग का पदाती का लोकोमोटिव 12369, ट्रेन नंबर 12378 का। वाह क्या नंबर है यार, वाह भाई साहब क्या लग रहा है। ये इसका फर्स्ट AC है, मुझे लगा स्वर्ण रेख होगा पर नहीं, नॉर्मली रेख है। और इसका फेयर आपको नीचे दिख रहा है, ये कैबिन है और ये कूप है, कूप में आपको देख सकते हैं लैडर्स में इस तरीके से दिया हुआ है, तो काफी अच्छा है, खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड है। इसका मैं जर्नी करने वाला था पर अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं कर सकता, कुछ रीजन है। इसका टूटा रसियाला ने वेल मेंटेन करके रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये HA1 है, तो मतलब हाफ टूटा है और हाफ फर्स्ट AC है, तो ये जनरली आपको वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति सब में दिख सकता है। तो इसमें एक ही कूप होता है, अगर HA1 में मिला तो एक कूप है और वो आपको याद रखना है, वो इट्स B नॉट A, A जो है नॉर्मल कैबिन है, B जो है कूप है आपको इस तरीके से, तो काफ़ी खूबसूरत है। टू टायर का फिर आपको नीचे दिख रहा होगा, फर्स्ट AC का मैंने आपको पहले दिखा दिया, आप चलते हैं 3 टायर के लिए। सब ये इसका 3 टायर है, 3 टायर का इंटीरियर कुछ ऐसा सिंपल है, एक मिरर है, चार्जिंग सॉकेट है, ये हो गया लोअर, ये हो गया मिडिल और ये हो गया अपर साइड, लोअर साइड अपर, एक चार्जिंग। नया कोच है इसलिए आपको मिल रहा है, पुराना होगा तो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हो भाई साहब। चलो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, मुझे माफ़ करना भाई, मैंने गलती से टाइम लैप्स ले लिया था यार। मैं वही बोला यार, मेरा कैमरा का जो स्क्रीन है स्विच क्यों नहीं हो रहा है, और सडनली देख रहा हूँ पीछे घुमाया तो देख रहा हूँ टाइम लैप्स चल रहा है, 4 सेकंड का आपने टाइम लैप्स देखा, मैंने स्लो कर दिया भाई, गाड़ी डिपार्ट कर गए यहाँ से 5:45 पर। अब हम लोग कल घूमेंगे आपको सियालदह में सुबह सुबह 6:45 पर, सियालदह में जी हाँ भाई साहब, 13 घंटा का जर्नी है, बस सिर्फ 13 घंटा का जर्नी है। नंबर ऑफ फॉल्ट ठीक ठाक है। इसका रूट मैं बताऊँ तो शॉर्ट डिटेल में बताता हूँ, न्यू अलीपुर द्वार से खुला भाई साहब न्यू कूच भी आया, देन फिर हम लोग वहाँ से माथा भंगा से होते हुए जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी, देन न्यू जलपाईगुड़ी से सिंपल लाइन है इसका मालदा,
रामपुर हाट वाले लाइन से यानी बोलपुर से होते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे बर्धमान के रास्ते सियालदह। दैट्स इट भाई, यही है और पूरा ग्रीन है इसको। लोग आ चुके हैं भाई साहब न्यू कुछ बिहार, एनसीबी कोड है और यहाँ से देखो कितने लोग वोट कर रहे हो भाई साहब, अधिकतर लोग है यार, भयंकर भीड़ है यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था इतने लोगों में, मैं उतरू कहाँ यार। लोगों में हुआ मिसकैलकुलेशन, स्लीपर वाले आगे चले गए थे, एसी वाले इधर चले गए थे। 6 बजे का अराइवल था, 6 पे डिपार्चर है। हाल बुरा है क्योंकि मेरे दोस्त के आरएसी वाले आ गए, मतलब आपको मालूम है देखो भाई हम लोग 3 लोग हैं, 3 लोग को अगर जो आरएसी मिलता है एक पीएनआर पे, तो मेरे को मनी को 1 सीट मिला है और विक्की को 1 सीट मिला, किसी के साथ शेयर करना है। तो वो भाई साहब आ चुके हैं और ये इतने लोग वोट कर रहे हैं, बाकी आधा जो कसर है भरने का वो एनजेपी में भर जाएगा। और यहाँ हुआ है भयंकर चीज, हम लोग सरायघाट को ओवरटेक कर रहे हैं। वाह, इसको बोलते हैं मॉडर्न। आप बोलते हैं साफ सफाई चाहिए, साफ सफाई चाहिए, एकदम प्रॉपर मशीन में आटा गूंदा जा रहा है। ये वाला जो लाइन है चला गया पाला काटा की ओर, ये सामने वाली जहाँ से राजधानियां जाया करती है, डिब्रूगढ़ राजधानी सब, और हम लोग जा रहे हैं माटा भांगा ये नाम है। वहाँ पे क्या है भाई साहब, बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास से गुजरेंगे। अगर दिन में रहा तो आपको एक अच्छा बांग्लादेश का दिख जाएगा, अगर लेट हो गया तो क्या कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। Thank you.
लोग माता गंगा आ गए भाई साहब, यहाँ पे 6:32 का अराइवल था, 6:34 का डिपार्चर था और हम लोग यहाँ पे 6:30 पे आ गए थे, 2 मिनट बिफोर। एलपी साहब भयंकर चला रहे हैं, यहाँ आप ऊपर देखो भाई पोल ही नहीं दिखेगा, दूर दूर तक एक भी पोल नहीं है भाई, और काम भी नहीं दिख रहा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्टेशन। पर वही है, आने वाले समय में यहाँ पे पोल लग जाएगा फिर जस्ट ख़त्म। टाटा भाई, टाटा भाई छोड़ जाए ना तो डू को टंगड़ी नीचे ही रह जाए। चलो ना करा देते हैं, करा दे। तो ये रहा ये वाली ट्रैक भाई तो बांग्लादेश से आ रही है।
जलपाईगुड़ी एंड जो सी कोड है और यहाँ पे 8:30 का अराइवल था, 8:40 का डिपार्चर था। हम लोग ऑलमोस्ट वाह भाई साहब 12 से 13 मिनट बिफोर आया, तो रन क्वाइट गुड। यहाँ पे खाने के लिए आपको कोई कमी नहीं होगी भाई साहब, पानी वानी ऑलमोस्ट सब मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट से कोई भी ट्रेन आया वो सिलीगुड़ी और एनजेपी से होके ही गुजरेगी भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास, बिकॉज ये चिकन नेक है आप जानते हैं जो पूरा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टेड करता है। चलो देखते हैं हम लोग का यहाँ पे लोकोमोटिव चेंज होगा भाई साहब, हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है यार। सो हम लोग का लोकोमोटिव यही है भाई साहब, अब जाके क्रैंक हो रहा है और ये देखिए पैंटो स्पार्क हुआ ऊपर, इंजन से आवाज आएगा आपको, सुनिए आप सिर्फ। गाड़ी यहाँ पे 8:18 ही पे आ गया था, अब जाके लोकोमोटिव ये स्टार्ट हुआ जबकि यही हम लोग को मिलने वाला है। कितना ढीले है यार ये लोग, कितना ढीले है। एक नंबर लोकोमोटिव है भाई साहब, कपलिंग होगा, हॉक कनेक्ट होगा और भाई गाड़ी हो जाएगा तैयार निकलने के लिए। मैं फटाफट चलता हूँ अपने कोच के तरफ, अन्ना मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे खाने पीने का बहुत सारा स्टॉल है, मोमो से लेके ये 2 नंबर 3 नंबर पे भी है, वही 4-5 पे थोड़ा सा शॉर्टेज मिलेगा आपको खाने पीने का। और हम लोग का कोच पूरा पैक हो गया है, बाकी टीटी साहब ने कहा है कि वो ट्राई करेंगे अगर खाली होगा तो, मुझे खाली दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या, गाड़ी लेट है, जिसका ट्रेन छूटने वाला होगा वो भी नहीं छूटेगा, वो अब तो आराम से पहुंच ही जाएगा। चलो तो मारा जो भी मारा भयंकर मारा, फिर मारा। अरे भाई साहब हमको लगा नॉर्थ ईस्ट मार रहा है, बहुत पता था, बहुत पता खाना जो हमने लिया था ये आपको 120 रुपये का है, रोटी है और ये सब्जी है और ये 3 लोग के लिए हिसाब से है, बहुत अच्छा है। मनी भाई ने इसको आर ओ से भरा पानी, क्योंकि पानी जितना आप खरीदोगे उतना बोतल आपको फेंकना पड़ेगा, जितना बोतल आप फेंकोगे उतना आपको मतलब बोलते हैं ना भाई इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, तो ये अच्छा तरीका आर ओ से भरो, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा।
किशनगंज आ गए। तो भाई हम लोग किशनगंज आ गए हैं, केनी कोड है, और यहाँ पर भाई साहब का अराइवल था 9:50 का और 52 पे डिपार्चर था। हम लोग 9 बजे के आसपास निकले हैं न्यू जलपाईगुड़ी से और हम लोग यहाँ पे आ गए भाई साहब सिर्फ 9 मिनट की डिले से। आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे क्या, जस्ट एक नॉर्मल रन है, पर ये नॉर्मल रन नहीं है भाई, इतना मतलब एक प्रॉपर एक घंटे से भी कम में आप अगर कवर कर रहे हो न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज, तो वो काबिले तारीफ है। दूसरा चीज़ मैं बोल रहा था, ऐसे रेल फैन आपको डरना चाहिए, ऐसे पैसेंजर आपको खुश होना चाहिए। इस ट्रेन में बहुत सारे आते हैं, आरपीएस साहब लोग बहुत तेज है, जिसको भी अनजान व्यक्ति देख रहे हैं, जो लग रहा है कि टिकट लेके ट्रैवल नहीं करेगा, उसको पकड़ के सीधा उतार दे रहे हैं या तो उससे बात कर रहे हैं। क्या हॉन्किंग है भाई साहब, पूरा एकदम चाय 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 नहीं मिल रहा है भैया, यहाँ कोई और निकाला था। और ये चीज से आप पानी भरा करिए, मेरा रिक्वेस्ट है, आज से मैं यही बोलूंगा, जितना बोतल खरीदिएगा उतना खराब है एनवायरनमेंट के लिए, उससे बढ़िया आप रिफिल क्या रखे ये पानी आप बहुत। पैसे बचाइए, पैसे पैसे बचाइए, दौर में पैसे बचाइए। अरे एनवायरनमेंट भी तो बचेगा यार, जितना बोतल एनवायरनमेंट बाद में बचेगा, इंसान पहले पैसा बचाता है। एक बोतल की कीमत पर 4 लीटर पानी पीजिए। और क्या भाई, यार सही बोले भाई, 20 रुपया में 4 लीटर आ जाएगा आपको, 5-5 रुपया पर लीटर लो यार। मैं सोचा था सोऊंगा पर हॉकिंग आ रहा है, नींद नहीं आ रहा, तो जागते जब तक जागते हैं। स्लीपर का मौसम है भाई, आप देख सकते हो कैसा है। नॉर्मली एक यहाँ पर आप टॉवल अपना हैंग कर सकते हो अगर आपके पास है या कुछ भी। नॉर्मली एक टैप है, लिक्विड सोप नहीं होता आप जानते हैं, और यही है। और ये नया कोच है तो आप जस्ट एक सिंगल प्रेस और काम हो गया। तो नीचे साफ सफाई सही बताओ तो ठीक ठाक है, कोई खास नहीं है, बस स्मेल गंदा नहीं करना है, साफ सफाई हुआ है, वो भी जैसे एक्टिव है, देखते हैं बाकी क्या होता है। था तो मालदा के आसपास मेरे मतलब फ़ोन जो था मेरा वन प्लस बैग से या मोस्ट प्रॉब्ली मेजर साइड में रख के सो गया हूँ फिंग में, और किसी ने चोरी कर लिया, तो मैं क्या करूँ, मैंने जैसे जैसे ट्वीट किया, अब तो सही बोलूँ यार वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा सर, क्योंकि उस वन प्लस में सारा ऑडियो था भाई, और फ़ोन खास था, ऐसा नहीं था, भाई से लिया था, छोटे भाई से, लेकिन चला गया तो अब कुछ कर नहीं सकते। ट्वीट किया मैंने लेकिन कुछ रिस्पांस आता तो ठीक है, नहीं मतलब आया तो ठीक है। आरपीएस साहब को भी बोले, आरपीएस साहब बोले 2-3 लड़के गेट पर खड़े चेक करते हैं अपने ख्याल से, और उन्होंने कहा सियाला में एक मिसिंग कंप्लेन आप कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या पता आपको फ़ोन मिल जाए। हम लोगों ने बहुत फ़ोन रिकवरी किया है, मुझे आशा है कि मिल जाए फ़ोन, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकते हैं। पर आप सावधान रहिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सावधान जितना रहिएगा उतना अच्छा है। 649 से अल्लाह उतरते हैं, और रेल मदर से बस वही मुझे एक ट्वीट आया था जैसे, और कुछ खास नहीं, और मैसेज आया, देखते हैं क्या होता है, इनका क्या कर सकते हैं लोग, इसीलिए मैंने कुछ वीडियो ही नहीं बनाया, मूड ही ख़राब हो गया है, कल उतरते हैं फिर। 8:39 को जाके मेरा FIR लॉज हुआ, और अब जाके लोग बोल रहे हैं कि देखेंगे, अभी जस्ट प्लेटफॉर्म पर आया, यहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं निकलूँगा घर। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो फ़ोन चोरी करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए, लोग की मेहनत की कमाई है, प्रोसेस बहुत हार्ड है, इतना महंगा इसमें मतलब समय लगता है। मैं 7 बजे का उतरा हुआ हूँ, 1.5 घंटा लग गया एक FIR लॉन्च करने में, एक GD लॉन्च करने में, और ये आसान नहीं होता भाई इतना टाइम देना किसी भी एक GD लॉन्च करने के लिए। देखो भाई मैं एक बात जानता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट फील कब हुआ, मेरे भाई का फ़ोन था, मैंने उसको रात को बताया कि मतलब लॉग इन करके गूगल में देखने के लिए लास्ट लोकेशन, भाई ने जैसे ही कहा ना कि भैया छोड़ दे फ़ोन, गया तो गया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मेरा भाई, हम लोग ऐसा नहीं कि फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते, कर सकते, पर जो बहुत गरीब होता है, तो मैं खुद FIR वहाँ जब बैठा था GRP थाने में, मेरे सामने 2 लोग आए भाई, एक बंदा मतलब अमीर नहीं है मैं बोल नहीं सकता, वो बहुत मेहनत से 20,000 का फ़ोन खरीदा होगा, उसका फ़ोन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे बेचारा सो रहा था, चोरी कर लिया, ये सब गलत है यार। मैं जानता हूँ फ्री का कमाई सबको पसंद था, पर चोरी करना लाइक नॉट अ गुड थिंग यार। मैं पताते का जर्नी सही से नहीं बनाया, मूड ही नहीं कर रहा था यार, एक तो आप मैं कैसे वीडियो अपलोड करूँगा डोअर्स का,
या उत्तर बंगाल का, क्योंकि ऑडियो सब वन प्लस में था, चला गया फ़ोन चला गया यार। मतलब वो अब मेरे को ना सही बताओ, मेरे को वो कम से कम एक महीना हॉन्ट करेगा फ़ोन, सपना में आएगा कि मेरा फ़ोन मिल गया मुझे, या मैं हर समय सोचूंगा मैं इस दिन सावधानी रखता तो शायद हो जाता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप कहीं भी रहो भाई, बस सावधान रहो, खास करके मालदा से। पर फैमिली सपोर्ट था तो अच्छा लगा। बच्चों के लिए मैं बोलूँगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यार, महंगा महंगा फ़ोन खरीद रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए, यही बोलूँगा। हर किसी के हाथ में आईफोन है, बहुत लोग ईएमआई में खरीदता है 1.5 लाख का फ़ोन। क्या बोलूँ, माफ़ करना भाई, मैं वीडियो बनाने नहीं चाहता था यार यार, पर मैंने सोचा आपको बता दूँ। मालदा साइज में प्रोसेस बहुत लंबा है, मैं सजेस्ट करूँगा एक और लास्ट सजेशन, आप ट्वीट करना तभी होगा, वरना जीआरपी में जाओगे तो सिर्फ जीडी करेंगे, वो एफआईआर होगा भी नहीं। देखो भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो मुझे बंदा फ़ोन लौटा देता ना, ये मिल भी जाता ना, अगर कोई खोज लेता उसको आरपीएफ, तो मैं उसको मारता नहीं, मैं मारने के उसके अगेंस्ट रहता। पर मैं क्या बोलूँ, मैं उन लोग से यही कहूँगा जो ये हरकत करते हैं, जिनके दिमाग में रहता है, बस मत कीजिए यार, बहुत मेहनत से लोग फ़ोन खरीदते हैं यार, आप बस 2-3 हज़ार के लिए कर ले रहे हैं। क्या बोलूँ, जवाब नहीं इसके लिए, दुनियादारी मुझे समझ में नहीं आती भाई। पर ये नुकसान बहुत बड़ा था लाइफ में, एक सबक मिला है, आज से सावधान रहूँगा। स्लीपर में आप ट्रेवल करें, साइड लोअर खिड़की लगा दीजिए सोते वक्त, वो खास करके कांच नहीं तो एटलीस्ट वो जाली वाला लगाइए, और फ़ोन को पॉकेट बैग जहाँ मन हो सही से रख के सोइए, चाहे जो भी महंगा चीज़ हो, कुछ भी हो। अगर कोई फीमेल देख रही है तो भाई बोलूँगा आप कान का ये सब बहुत सावधानी से रख के सोइए, खतरा है। पर एक बात है, आरपीएफ साहब लोग बहुत मदद किए हैं, जीआरपी में गया तो थोड़ा टाइम लगा, वहाँ पर वो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, एक के कारण सबको जज करना गलत बात है, पर ये बात सच है, आरपीएफ साहब मदद किए हैं। मैंने ट्वीट रात को 2 बजे के आसपास किया था, 2:30 बजे के आसपास मुझे रिप्लाई सुबह 4:30 बजे आया, मे बी ढाई, उस टाइम पे कोई एक्टिव नहीं हो, पर जो भी है यही है लाइफ भाई साहब, यही है।